So good morning, friends. Welcome to PD Classes Student Important Session for those who are preparing for PRT interview. And I believe in KVS there are abundant of questions which are being asked during PRT interview. And I hope over both channels, PD Classes and Interview Guide, you will be watching not many videos regarding PRT. So first of all, we welcome Jyoti. Jyoti, here we have candidates, those who also want to take your interview. And the candidates are from the place Haryana, Mr. Vikas. Vikas, you are from which part of Haryana? Hisar. Okay. And next, Mr. Devinder, yes, please introduce yourself. My name is Devinder. I am from Charkidadri. Charkidadri. Yes. And Charkidadri is famous for what? Charkidadri is famous for Dangal movie girls. Okay. Okay, Jyoti, I want to know something from you. Jyoti, what are your hobbies? Sir, my hobbies are meditation, cooking and driving a car. And what are your strengths? My strengths are that I am dedicated and optimistic personality. Okay, you are going for PRT? Yes, sir. So suppose you have to teach your students about EVS. Yes, sir. Then how will you teach in class? Sir, EVS ko hum jitna daily life se relate karke padhayenge, utna hi mujhe lagta hai PRT student ke liye beneficial rahega. Yes. क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि सर क्रैम करने के बजाय हम डेली लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उनका उतना ही होता है पीआरटी में कि वो क्रैम करने के बजाय मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में ज़्यादा बिलीव करूँगी सर उनके तो जो वो आसपास जिन चीज़ों को वो हार्ड रूप में देख रहे हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट ना हो कोई भी चीज़ उनके लिए जो उनको फील नहीं करना है उनको देखना है उसके बाद मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे लेके जाऊंगी. एग्जांपल मैडम कुछ जैसे एग्जांपल है कि उनके चारों तरफ जो भी स्कूल से घर तक का जो उनका रास्ता है जिस वे से वो आते हैं उसमें जितनी भी चीज़ें वो देखते हैं सुनते हैं जैसे हमारे ईवीएस में एक टॉपिक है कि हमारे ऑल अराउंड जो भी थिंग्स हैं वो मेन मेड है या नेचुरल हैं. ओके. तो उनको वो नॉलेज देना कि कौन सी चीज़ें मेन मेड है कौन सी चीज़ें नेचुरल है तो वो खुद ही मुझे बता देंगे बहुत सारी चीजें कि कौन सी बनाई गई हैं कौन सी नेचुरल रिसोर्स से आए हैं. गुड. एंड मैडम मान लीजिए मैथमेटिक्स का डेमो देना हो आपको तो आप कैसे पढ़ाएंगे? सर जैसे मैं एडिशन पढ़ा रही हूँ तो पहले मैं उनकी प्रायर नॉलेज चेक करूंगी कि उनको कहाँ तक नॉलेज है एडिशन की. उसके बाद सर मैं कोई एग्जाम्पल लूँगी जो उनके आसपास ही हो जैसे उनकी वाटर बॉटल ले ली या कुछ और ले लिया और फिर मैं उनको काउंट करने की बोलूँगी फिर उनका टोटल करके उनको दिखाऊंगी कि 1 2 3 फिर इनको काउंट करो इस तरह से. ओके. मान लीजिए मैडम आपको इंग्लिश का डेमो देना है तो आप क्या करेंगे? सर इंग्लिश के डेमो के लिए मैं पोएम करूँगी उनके साथ. तो पहले यस सर. वंस आई सॉ ए लिटिल बर्ड. Once I saw a little bird, I cried, little bird, will you stop, stop, stop? Okay. और मैडम मान लीजिए कोई हिंदी में अगर पोएम हम आपको बोले तो क्या आप सुना सकते हैं? Yes, ma'am. Please try. Yes, sir. मन करता है सूरज बनकर चारों ओर आसमान में दौड़ लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं मन करता है बाबा बनकर मैं अपना रोब जमाऊं मन करता है पापा बनकर मैं अपनी मूंछें बढ़ाऊं मन करता है मैं चिड़िया बनकर चू 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 शोर मचाऊं मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे राग सुनाऊं. That's great. चलिए मैडम हमारे कैंडिडेट से पूछते हैं. देवेंद्र आप भी पीआरटी के लिए जा रहे हो तो कोई पीआरटी रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे मैडम से? बच्चा को डिसिप्लिन में नहीं आ रहा मैडम उसके लिए क्या आप अच्छा सा पॉइंट बताएंगे? सर बच्चों की ये एक वीकनेस होती है कि वो डिसिप्लिन में नहीं रह सकते उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो कुछ ना कुछ उनको चाहिए करने के लिए तो पहले तो जो उनके लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कुछ असाइनमेंट्स कुछ ऐसे प्ले वे मेथड होते हैं जैसे हमारे पीआरटी में तो मैं उनको यूज़ करना चाहूँगी ताकि उनकी एनर्जी को मैं एक सही डायरेक्शन में लेके जाऊँ. उसके बाद सर मैं उनको जैसे वो किसी कार्टून करेक्टर से प्रभावित हैं तो मैं उस कार्टून करेक्टर की डिसिप्लिन कैसे बेनिफिशियल है हमारी लाइफ में. अगर आप जल्दी उठते हो सुबह तो उसके आपको क्या बेनिफिट होंगे? क्या आप उस कार्टून करेक्टर की तरह बन सकते हो? तो इस टाइप का डिसिप्लिन होता क्या है डिसिप्लिन के बेनिफिट क्या होते हैं और उसके बाद एक बच्चे को जिस तरह से हम डिसिप्लिन समझा सकते हैं सिखा सकते हैं कि टाइम पर उठना उसका आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हो तो उसका क्या बेनिफिट है इस तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे सर. यस मिस्टर विकास आप भी पीआरटी है तो आप भी कोई क्वेश्चन? मैम आप वीक स्टूडेंट को कैसे हैंडल करोगे? सर मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता
किसी ना किसी स्टूडेंट में कोई ना कोई क्वालिटी होती ही है, right. तो पहले सर मैं उसको मोटिवेट करना चाहूँगी उसके उस क्वालिटी को लेके, उसके उस क्रिएटिविटी को वहाँ से उठा के, वो जब वो काम खुद से करेगा तो वो खुद से ही मोटिवेट हो जाएगा और फिर जो उसके वीक पॉइंट हैं उस पर हम काम करेंगे। क्योंकि एक बार मुझे ये लगता है कि सर जब आप किसी को मोटिवेट कर देते हो तो उसके लिए कोई वीकनेस वीकनेस नहीं रह जाती। मैडम पीआरटी टीचर में क्या क्वालिटीज होती है? सर पीआरटी टीचर क्रिएटिव होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए और वो अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चों की साइकोलॉजी को कि उनकी नीड क्या है, उनके रिक्वायरमेंट क्या है, कब उनका पढ़ने का मूड है, कब नहीं है, तो बच्चे को बच्चा बन के ही पढ़ाया जा सकता है सर पीआरटी लेवल पे। ओके मैडम आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस? सर मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस ये है कि मैं डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेके, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं कभी भी गिव अप नहीं करती सर। कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली? एंड आई वांट द आंसर इन इंग्लिश। ओके सर प्लीज ट्राई। सर आई एम मैरिड, वी आर 5 मेंबर इन आवर फैमिली। ओके माय हस्बैंड वर्किंग इन एमएनसी एंड आई हैव ए चाइल्ड, ही इज स्टडी इन सेकंड स्टैंडर्ड। ओके एंड योर इन-लॉ पेरेंट्स? यस सर। इन-लॉ पेरेंट्स हैं? यस सर। वो क्या करते हैं? सर दे आर फार्मर। ओके सो टीचर बनने का कैसे सोचा आपने? सर वाइल कोरोना काल आई टीच माई चाइल्ड, तो मैंने ये देखा कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ कन्वेंस करने में, पढ़ाने में या कंसेप्ट क्लियर करने में, तो मैं क्यों ना मैं इस प्रोफेशन के साथ जाऊँ। पहले ही मेरे पास काफ़ी क्वालिफिकेशन थी तो, पर मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसके बाद सर जब मैंने काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम दिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया और लकली मैं उसमें सेलेक्ट हुई। okay. और आज मैं आपके सामने हूँ उसके लिए। दैट्स वेरी गुड। मैडम मान लीजिए आपने जो भी पोइम सुनाई हमें हिंदी में, क्या आपने एक ही पोइम याद करी है या कुछ और पोइम्स भी आपको आती है बच्चों के लिए? ये सर मुझे आती हैं पोइम्स, कोई एक पोइम और आप एडिशनल बता सकते हैं हमें कुछ अभी? एडिशनल सर? हाँ जी ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 2 लाइंस बताइए। ये सर म्याऊं म्याऊं सुनाना चाहूंगा। म्याऊं म्याऊं क्या छोड़ूं मैं क्या खाऊं, इधर है दही मलाई और इधर है रसगुल्ले, क्या खाऊं। ओके विकास आप ज्यादा अच्छी करते हो ये। विकास जरा इसको थोड़ा और करेक्ट और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? श्योर सर प्लीज। म्याऊं 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 किसको छोड़ूं किसको खाऊं, एक तरफ है चुया रानी एक तरफ है रसमलाई, किसको छोड़ूं किसको खाऊं, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैडम इसको ज्यादा डेकोरेटिव किया है ना? यस सर। हां सो मैं लर्न करूंगी। श्योर श्योर वी मस्ट मैडम। बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल इज गुड। ओके और वी आर गिविंग यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।